नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पिपरी में ओम साई चैरिटेबल हेल्थ क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। रेणुकूट स्थानीय क्षेत्र के पिपरी नगर में सोमवार को ओम साई चैरिटेबल हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। क्लिनिक का शुभारंभ पूर्व विधायक रूबी प्रसाद व डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि नगर व आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर कमी है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखते हुए इस क्लिनिक की शुरुआत की गई है, ताकि नगर के लोगों को प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित इस क्लिनिक में गरीबों जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा। भाजपा नेता राकेश पांडे ने कहा कि पिपरी में इस क्लिनिक के खुलने से लोगों को अच्छे डॉक्टरों के द्वारा इलाज मिल सकेगा। उन्होंने क्लिनिक खोलने के लिए पूर्व विधायक को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर ए के सिंह, मनोज पांडे, टिंकू सिंह, डॉक्टर महेश विश्वकर्मा, प्रीति सिंह, प्रभात श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अर्पिता से हूँ। किस पद पे हॉस्पिटल में आप? मैं यहाँ पे एज गायनेकोलॉजिस्ट बैठ रही हूँ। किस नाम से ये हॉस्पिटल है? ये श्री साईनाथ करके चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से है। या किन पेशेंटों को देखा जाएगा? हर तरह के पेशेंट हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा विलेज का एरिया है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो गाँव के लोग हैं आसपास के, उनको ज्यादा हेल्प मिले, उनकी फीस में, उनके इलाज में, उनके दवाइयों के खर्च में हम ज्यादा ध्यान देंगे इस पर। बाकी किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट हो, सबको यहाँ पे स्वागत है, सब हटकर मैं यहाँ पे करने के लिए। बाकी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। ये हॉस्पिटल से पहले और कहाँ कहाँ हॉस्पिटल है? मेरा सर, मैं इसके पहले लखनऊ में बैठती थी, और इसके मिरानपुरा में अपना सेंटर है, वहाँ मैं देखती हूँ। सर की वजह से, सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंह है। आप यहाँ पे चिकित्सक में रह गया जी, ये यहाँ पे किस तरह के मरीजों को देखा जाएगा और किस तरह से देखा जाएगा? सर देखिए, अगर पूरे हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ हर तरह के मरीजों को देखा जाएगा। मेरा सामान्य चिकित्सा है, जनरल फिजिशियन, बाकी महिला चिकित्सक भी हैं यहाँ पे। क्या इन लोग के कुछ चार्ज भी दिया जाएगा या इस तरह से जी स्वास्थ्य कोई मतलब चार्ज भी लगेगा इनका लेने के लिए या इसकी फ्री है, मतलब क्या निःशुल्क किया जाएगा? सर देखिए, ये तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ कितने स्टाफ होंगे? सर जानकारी नहीं है मुझे, स्टाफ हैं यहाँ पे काफ़ी। सारे जांच यहाँ होंगे, ऑपरेशन का भी व्यवस्था है।